खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर दो शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 अवैध शराब की पेटी 1,31,500 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 डस्टर कार और 2 फर्जी नंबर प्लेट को बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि अवैध शराब का अधिकांश माल सेक्टर 32 चंडीगढ़ स्थित शराब गोदाम L1 से लाया जाता है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों शराब तस्कर शराब लाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बेचते थे। उन्होंने बताया कि एक सटीक सूचना के आधार पर जनकपुरी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जहां भी जाते थे फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते थे ताकि ये पुलिस की नजरों में ना आए। एसपी सिटी ने बताया कि ये काफी दिनों से शराब की तस्करी कर रहे थे, ये पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 साथी शराब तस्कर पकड़े हैं, जिनके पास से आप देखेंगे तो 10 पेटी अवैध शराब मिली है। ये चंडीगढ़ से लाए थे, इनके पास से नकद रुपया भी मिला है, 1,31,000 से ज़्यादा है। इनके 2 मोबाइल फ़ोन, 1 डस्टर कार मिली है, फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। ये वहाँ से चंडीगढ़ से शराब को ला के यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बेचते थे ज़्यादा दामों पे, वहाँ से तस्करी करके लाते थे। एक सटीक सूचना के आधार पर जनकपुरी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और ये गुड वर्क किया है। जो नंबर प्लेट सर मिली है वो कहाँ की हैं, यूपी की हैं, उत्तराखंड की हैं या पंजाब की हैं, किस प्रकार से ये लोग रहते थे? उसमें जो नंबर प्लेट मिली है उसमें विभिन्न राज्यों के नंबर हैं, उसको हम लोग अभी उसको पता कर रहे हैं, वो फर्जी नंबर प्लेट है। ये अभी सील किया गया है जो इनकी गाड़ी में मिला है नंबर प्लेट। ये जहाँ भी जाते थे इस तरह के फर्जी नंबर प्लेट लगा देते थे ताकि पुलिस के नज़र में ना आए, और ये काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, पहली बार ये गिरफ्त में आए हैं। और ये अगर आप देखा जाए तो इनके पास से जो कैश बरामद हुआ है 1,31,000 से ज़्यादा का है, 10 पेटी अवैध शराब मिली है। तो इनका ये धंधा चल रहा था और इस धंधे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आबकारी राजस्व का ये हानि कर रहे थे, लगातार हानि कर रहे थे।